जम्मू का रुख करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देश की रक्षा के लिए खुद को न्योछावर कर देने वाली अनेक संताने दी है। मैं महान विरासत की इस धरती को नमन करता हूं। आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जन्म जयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह जी को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले दो चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। और साथियों, मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है।
और ये तो मंदिरों की नगरी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। जम्मू के साथ दशकों से जो भी भेदभाव हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं, और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार, बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई है।